दोस्तों स्वागत है आप लोगों आज के वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग कुछ यहां पर जो है अपने BGMI के अकाउंट के रिलेटेड यहां पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। जैसे कि अगर आपके अकाउंट में 2 ID जो है यहां पर लॉगिन है तो उसे जो है किस तरीके से हमें एक को रिमूव करना है, यानी अपना फेसबुक हो गया, जीमेल हो गया या फिर ट्विटर हो गया, ठीक है, किसी एक को हम किस तरीके से रिमूव कर पाएंगे, ठीक है, वही जो है चीज़ मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मुझे जो है काफ़ी सारे कमेंट्स आने लगे थे, मैं आप लोगों को एक बार दिखाता हूँ, एक मिनट। तो यहाँ पर काफ़ी सारे कमेंट आने लगे थे, सर अपना जो यहाँ पर ID ट्रांसफ़र का बताया था तो वहाँ पर जो है हमने ठीक है 2 ID को कनेक्ट कर लिया है, अब जो है हम उसे रिमूव करना चाहते हैं एक को, तो कैसे करें। तो इसके बारे में दोस्तों मैंने सोचा एक वीडियो बनाकर सभी को डिटेल्स में समझा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं सब कुछ क्लियर करके समझा देता हूँ यहाँ पर आप लोगों को। और मुझे कई लोग ये भी पूछ रहे थे यहाँ पर कि अपना जो है 7 दिन के बाद जब हम अनलिंक कर देते हैं, हमारा 7 दिन के बाद जो है यहाँ पर हम लोगों को प्लस वाला आइकन देखने को नहीं मिलता, ठीक है। तो क्या कुछ कैसा है, किस तरीके से, डिटेल्स में आपको स्टेप बाय स्टेप करना है ताकि आप लोगों का जो प्लस वाला आइकन वहाँ पर आप लोगों को देखने लगे, तो चलिए सारा प्रोसेस जानते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जाए आप लोगों को सब्सक्राइब का बटन दिख जाएगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो लाऊँ आगे इस तरीके का सारा नोटिफिकेशन जो है आप लोगों को मिलता रहे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम जो है यहाँ पर सेटिंग पर चलते हैं। जैसे ही आप सेटिंग पर आते हो तो आपको जो है यहाँ पर नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पर अकाउंट एंड सेफ्टी का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करते हो आपको जो है यहाँ पर अपना जो भी अकाउंट यहाँ पर लिंक्ड है 2 अकाउंट यहाँ पर आप लोगों को दिख जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मेरा फेसबुक और जीमेल दोनों से यहाँ पर अकाउंट लॉगिन है, तो मैं यहाँ पर जो है एक को हटाकर एक ही से लॉगिन करूँगा और जो है क्या प्रोसेस है यहाँ पर कंप्लीट मैं आप लोगों को समझाऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर अनलिंक लिखा हुआ है, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हो यहाँ पर देखिए 4 प्रोसेस जो है आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, तभी जो है आपका वहाँ पर प्लस वाला आइकन बन के आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्लेयर्स हु हैव लिंक देयर अकाउंट टू सोशल नेटवर्क अकाउंट कैन अनलिंक वन ऑफ देम, ठीक है। इसका मतलब है जो भी लोग 2 सोशल अकाउंट को लिंक किए हुए हैं जैसे कि फेसबुक और जीमेल, ठीक है, उसमें से जो है एक को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये गया फर्स्ट ऑप्शन। तो सेकंड वाला पॉइंट है यू कैन ओनली अनलिंक ए सोशल नेटवर्क अकाउंट दैट इज नॉट करेंटली लॉगिन। इसका मतलब है दोस्तों अगर आपका 2 अकाउंट यहाँ पर लॉगिन है, ठीक है, पबजी पे कनेक्टेड है 2 अकाउंट, अब जिसे भी अनलिंक करना चाहते हो उससे आप लॉगिन नहीं कर सकते, ठीक है। आप जिसे रखना चाहते हो उसी से लॉगिन कर देना, फिर जो है जिसे हटाना चाहते हो उसी को अनलिंक यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाता हूँ, मेरा यहाँ पर जीमेल से मैंने लॉगिन किया हुआ है, अब जो है मैं यहाँ पर अनलिंक पे अगर क्लिक करूँगा तो मेरा यहाँ पर जीमेल मैं रिमूव नहीं कर सकता, यहाँ पर मुझे फेसबुक रिमूव करना होगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि जीमेल को रिमूव करें तब जो है आपको यहाँ पर फेसबुक से लॉगिन कर देना है। तो आप जैसे यहाँ पर फेसबुक से लॉगिन करोगे तो आपका जो है अनलिंक पे जैसे ही क्लिक करोगे आपका यहाँ पर जीमेल आ जाएगा, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन अपना क्लियर हो गया। फोर्थ वाला है द सोशल नेटवर्क अकाउंट दैट इज़ टू बी अनलिंक मस्ट हैव बीन लिंक फॉर 21 डेज और लॉन्गर। इसका मतलब है कि अगर आपने अकाउंट को अभी लिंक किया हुआ है तो आपको जो है मिनिमम 21 डेज तक वेट करना है अनलिंक करने के लिए, ठीक है। जब आप लिंक कर देते हो उसके 21 डेज के बाद ही आप जो है इसे अनलिंक कर पाओगे, ठीक है। यही इस पॉइंट 3 का मतलब है, ठीक है। चार नंबर पॉइंट का मतलब मैं आप लोगों को ऐसे ही समझा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर इन्होंने कहा है अगर आप किसी भी सोशल अकाउंट को यहाँ पर अनलिंक करते हो, यानी मैं जो है अभी फेसबुक को अगर यहाँ से अनलिंक कर देता हूँ तो मुझे जो है इस अकाउंट को फेसबुक से 7 दिन तक लॉगिन नहीं करना है, ठीक है। अगर मैं कभी भी बीच पे जो है फेसबुक से लॉगिन कर देता हूँ तब जो है मेरा अनलिंक वाला प्रोसेस यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और मुझे 7 दिन के बाद यहाँ पर प्लस वाला आइकन देखने को नहीं मिलेगा। तो काफ़ी सारे लोग जो है यही गलती कर देते हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है 7 डेज तक आपको लॉगिन नहीं करना है, ठीक है। अगर आपको जीमेल को रिमूव करना है तो आपको सिंपली करना क्या है फेसबुक से लॉगिन करके जीमेल को रिमूव कर देना है, अनलिंक कर देना है। जैसे ही अनलिंक कर देते हो तो आपको जो है अपने गेम को सिर्फ फेसबुक से ही लॉगिन करके खेलना है 7 दिन तक।
आप जो है उसे जीमेल से लॉगिन नहीं करना है, ठीक है। अगर आप लॉगिन कर देते हो तो आपका जो है अनलिंक वाला प्रोसेस यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यही चार पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, ध्यान रखने के बाद आपका जो है यहाँ पर रिमूव हो जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर जो है अपने फेसबुक के यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ, तो मैं 7 दिन के बाद जो है अपने कम्युनिटी पे जो है दिखा दूँगा पोस्ट करके, ठीक है, अपना जो प्लस वाला आइकन यहाँ पर आया है या नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एस पे क्लिक कर देता हूँ, चलिए क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से दिखाएगा कन्फर्मेशन के लिए, तो मैं यहाँ पर सिंपली अनलिंक पर क्लिक कर देता हूँ और कन्फर्मेशन दे देता हूँ, ठीक है। तो मैंने जैसे ही अनलिंक पर क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर टाइमर भी चल रहा है, देखिए मुझे और 6 डेज दिखा रहा है, ठीक है। मैं 6 दिन तक अगर मैं फेसबुक से लॉगिन नहीं करता हूँ तो मेरा यहाँ पर जो है फेसबुक यहाँ से हट जाएगा, यहाँ पर जो है प्लस वाला आइकन मुझे देखने को मिलेगा, ठीक है, इस जगह पे प्लस वाला आइकन देखने को मिलेगा। फिर उससे जो है मैं अपना ट्विटर वगैरह ऐड कर सकता हूँ या फिर दूसरा एक नया फेसबुक अकाउंट यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। तो यही सिंपल सा प्रोसेस था, यही 4 स्टेप को अगर आप फॉलो करते हो स्टेप बाय स्टेप तो आपका जो है यहाँ पर 100% अनलिंक हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं देगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ पर इसे कर चुका हूँ, कई सारे अकाउंट को यहाँ पर जो है फेसबुक टू फेसबुक ट्रांसफ़र कर चुका हूँ, ठीक है, और जो है जीमेल वगैरह भी चेंज कर चुका हूँ। तो आप लोगों का भी यहाँ पर 100% वर्क करेगा। तब भी अगर आप लोगों को कोई दिक्कत होती है या कुछ समझ में नहीं आता तो आप मुझे जो है कमेंट कर सकते हो, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दे दूंगा, या फिर आप मुझे हमारे इंस्टाग्राम पे जाके मुझे वहाँ पर DM कर सकते हो, वाइल्ड टेक ऑफिशियल जो कि अपना इंस्टाग्राम हैंडल है, ठीक है। तो आप जाके वहाँ पर मुझे DM कर सकते हो, वहाँ पर भी जो है मैं आप लोगों को जो भी परेशानी है आप लोगों का वहाँ पर सॉर्ट आउट कर दूंगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो मैं आपके क्वेश्चन के ऊपर एक वीडियो बनाऊं वो भी आपके नाम के शॉर्ट आउट के साथ, तो आप सिंपली नीचे जाइए कमेंट कीजिए आपका जो भी क्वेश्चन है, तो मैं कोशिश करूंगा आपके कमेंट का रिप्ले करूंगा और उसके ऊपर हो सके तो एक वीडियो भी लेकर आऊंगा, ठीक है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल।